जवाब लगा और पापा दे दीजिए जल्दी। सनी देओल छा गया। चलो बाबा मिठाई ये आप दिखाते हैं आपको डेकोरेशन। काश मैं भी ऐसे सुंदर हूं। आज स्पेशल ये है कि आप सबका स्वागत है। सो गाइस पता नहीं मेरे साथ ऐसे क्यों होता है, जब भी मैं ग्रोसरी का सामान लेने जाती हूँ ना कुछ एक्स्ट्रा उठा के रख लेती हूँ, पता नहीं उसी में ज्यादा फन आता है मुझे। तो अभी जा रहे हैं ग्रोसरी का सामान लेने के लिए डीमार्ट। मैं रेडी हो चुकी हूँ, मम्मी भी रेडी हो रही है और अमन गया शावर लेने, उसके बाद फिर मस्त हम लोग आज शॉपिंग करेंगे। मम्मी हो गई है रेडी, मम्मी को बस लिपस्टिक लगाना बाकी है। रख रहे हैं मम्मी के लिए स्प्रिंग और पॉपकॉर्न। मम्मी खाई नहीं है नाश्ता, तो मम्मी यही खाएगी। खाएगी ना मम्मी? सुनो ना, तुम्हारे पास है बोतल है? नहीं, बोतल ऊपर है। लेके नहीं जा रहा आदमी, ये लेके जा रहा है। मम्मी खाएगी पॉपकॉर्न वगैरह, मम्मी नाश्ता नहीं किया है। तो पानी डालना, वाइपर वाला में पानी नहीं आता। पानी नहीं आ रहा वाइपर वाला में। जाने सबको सबको याद आता है, अभी प्लांट में मम्मी डाल रही है पानी। क्या लेट हो रहा है ना, वो फालतू काम है, ये जरूरी था। मॉल में आ गए और सबसे पहले पता है कहाँ जा रहे हैं? कपड़ा लेने के लिए, कपड़ा देखने के लिए जा रहे हैं। सो अभी बस अमन का ही वेट कर रहे थे, आ गया अमन, मतलब वो ट्रॉली लेके आ रहा है। हो गया सारा शॉपिंग हम लोग का और भूख काफी लग गया है डीमार्ट आने के बाद ना। ये तो एकदम परंपरा है पॉपकॉर्न खरीद के खाना, वो भी चीज वाला। इधर इधर लाना, इधर इधर लाना। सी ये वाला कवर लेके आया सोफा कवर, तो मम्मी अभी लगा लगा के देख रही है कैसा लग रहा है। मैं जा रही हूँ अभी वाई वाई बनाने के लिए क्योंकि बहुत भूख लग गया है। पूरा नॉर्मल वाई वाई बनाया है, कैसा लग रहा है मम्मी? लहसुन नहीं डाली, नहीं नॉर्मल बनाया है, भूख लग रहा था ना। वाई वाई लहसुन से अच्छा लग रहा है, ठीक है अच्छा। कल के बाद मैंने कुछ भी सूट नहीं किया था और अभी मेरे को भी खाना बनाने का मन नहीं कर रहा था और मम्मी को भी खाना बनाने का मन नहीं कर रहा था, तो क्या करते हैं बाहर आते हैं खाना खाने के लिए। तो अभी आए हैं अभी हम लोग लाइन होटल में खाना खाने के लिए, एपिकल में। पापा उधर वेट कर रहे हैं मेरा, कितना सारा ट्रक जा रहा है, बड़ा बड़ा ट्रक जाता है। अभी पनीर चिल्ली मंगवा दे फिलहाल, स्टार्टर में डाली चाहिए ना। पनीर इतना कंसंट्रेट कर रहे ना मेन्यू में, वो कुछ नजर नहीं आ रहा। हेलो डैडी जी, हेलो। तो बदमाश। बंद नहीं कर सक रहा है, खराब रहा हो रहा है, अपने आप नहीं हो रहा, फंस गया, उसको निकालो। तो अभी जा रहे हैं मार्केट उतवाड़ा, कुछ कुछ सामान लेना है, सब्जी उब्जी लेना है और आज मुझे अकेले जाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा, तो साथ में अमन भी जा रहा है, उसको बोल दिए अभी रेडी होने के लिए। बहुत लेट लगा रहा है, लड़कियों से भी ज़्यादा लेट लगाता है। और बंदा का नाम लिए, बंदा हाजिर, पूरा चश्मा उसमें लगा के आया, सब्जी मार्केट जाना है। घर में बहुत अच्छा अच्छा रोज भी निकला है, ये मम्मी पता नहीं कब ली थी, लाइट पिंक कलर का, बहुत सुंदर लग रहा है। तो कौन चला रहा है गाड़ी, तुम बैग तो देखो। शॉपिंग सारा सामान हम लोग लटका लिए, अभी सारा सामान रखा हुआ, डिक्की में रखा हुआ हेलमेट सब कुछ, और उसकी वजह से सारा सामान यहाँ रखना पड़ा। हो गया ना पूरा काम? हाँ सारा काम हो गया, चलो चाबी। गाड़ी इतने सामान भरा हुआ है, देखो इधर चश्मा लगा के चलाएगा। दीजिए पापा दीजिए जल्दी। वाह डैडी जी, सारा परफ्यूम मेरा है। हम लोग का 4-4 प्लांट है। हाँ? उसमें एक प्लांट को ये सब मैन्युफैक्चरिंग होती है। हाँ, तो वहाँ से आपको मिला है ना? मिला, मैं खुद गया था घूमने के लिए तो लेके आया। ओहो, पापा ट्राई करने जा रहे हैं कप मैगी, लेट्स सी पापा को कैसा लगता है टेस्ट। हम बाहर में शूटिंग कराएंगे पापा, देखिए खा के पापा कैसे लग रहा है, कैसा लग रहा है डैडी जी? डर लग गया पापा ने खाने समय में। जल्दी जल्दी ट्राई करके बताओ मम्मी कैसे लग रहा
कैसा लगा माँ? सेम लगा। सेम लगा, कोई डिफरेंस नहीं लगा? नहीं, हमको तो बहुत लाइट लग रहा था। चंदा ने पूछा तारों से, तारों ने पूछा हजारों से, सबसे प्यारा कौन है? पापा, मेरे पापा। बात है। तो अभी मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी और बहुत ज़्यादा हड़बड़ी में भी हूँ क्योंकि अभी हम लोग का मूवी है OMG मूवी, तो जल्दी जल्दी जाना है। 3 बजे मूवी और 2:30 बज चुका है। जल्दी जल्दी हम लोग ने नाश्ता वास्ता भी नहीं किया, तो मैंने सारे चावल बना के यहाँ पे पैक कर लिया और मम्मी भी जस्ट आ ही रही है। जल्दी जल्दी हम लोग निकल रहे, तैयार भी नहीं हुए ठीक से, अभी कार में रेडी होंगे। सो फाइनली हम लोग पहुँच गए हैं यहाँ पे जहाँ पे मूवी देखना है। हम लोग 3 बजे पहुँच गए, अभी 15 मिनट, 3:15 पर मूवी स्टार्ट है। सो यहाँ से कोई मंदिर नजर आ रहा है, बीच में कोई तो मंदिर है। चलो बताओ मूवी कैसा है? बढ़िया मूवी था। तुम बताओ मूवी? प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा था मूवी का। तुम बताओ मूवी कैसा लगा? मूवी हमको अक्षय कुमार बहुत अच्छा लगता था, तो मुझे भी मूवी बहुत सुपर लगा। ऑसम कॉन्सेप्ट, मजा आ गया मूवी देख के। मतलब मेरा आंख तो 1 मिनट भी हट नहीं रहा था स्क्रीन पर से, मुझे बहुत अच्छा लगा मूवी। तो मूवी देख के आ गए हम लोग बीच साइड में और यहाँ पे आते के साथ मम्मी भुट्टा ले रही है। मैंने अपने लिए पैक करवाया पनीर रोल और उसके बाद फिर हम लोग चले गए थोड़ा बीच साइड बैठने के लिए। बहुत दिन बाद निकले थे क्योंकि बारिश की वजह से निकल नहीं पा रहे थे, तो मस्त हवा मिठाई वगैरह इंजॉय कर रहे थे। और टचवुड उस दिन बारिश भी नहीं हो रहा था और वेदर भी इतना अच्छा हो रखा था कि फुल ऑन एंजॉय किए। तो आज फिर से मैं जा रही हूँ मूवी देखने के लिए। 11 अगस्त को ये दोनों मूवी रिलीज हुआ था, गदर और OMG 2। तो आज जा रहे गदर मूवी देखने के लिए और आज स्पेशल ये है कि आज साथ में पापा भी जा रहे हैं बिकॉज ऑफ सनी देओल। साथ में एक और स्पेशल पर्सन जा रहा है, ये आदमी है। वो दिखा अपना चेहरा, दिखा ना। घर का बच्चा है हम, हमको आगे बैठना चाहिए, हमको लड़ना चाहिए आगे बैठने के लिए, लेकिन लड़ाई किस पे हो रहा है? मम्मी पापा के बीच में। हमको बैठना है, हमको बैठना है। आ गए हम लोग हॉल में, अभी बस वेट कर रहे हैं यहाँ पे। अमन और पापा का पार्किंग करने के लिए कह रहे हैं। तो हम लोग गए थे राजहंस सिनेमाज में और वहाँ पे इतना ज़्यादा भीड़ था और एक तो पता नहीं क्या हुआ था, स्क्रीन वन में हम लोग का मूवी लगा हुआ था और वहाँ पे अंदर एंट्री ही नहीं दे रहा था। एक्चुअली में 7:20 में मूवी था और 7:35 में हम लोग को एंट्री मिला क्योंकि अंदर में AC ख़राब था तो वो लोग ठीक कर रहे थे। और फिर अंदर जाने के बाद ये जो हॉल था ना गाइस, बहुत बड़ा था, मैंने पहली बार इतना बड़ा हॉल देखा था। पापा बैठे हुए मेरे बगल में। क्या डैडी जी? मूवी देख के, मूवी बहुत ही ज्यादा सुपर्ब है, मुझे बहुत अच्छा लगा मूवी देखने में, मजा आ गया। धाकड़ मूवी, धाकड़। मम्मी को भी बहुत मजा आया। कैसा लगा मम्मी मूवी? बहुत धासू धाकड़, एकदम सनी देओल, मतलब सनी देओल छा गया। जब भी सनी देओल एक स्क्रीन पे आते थे ना, तब तो लगता था वाओ, मजा आ गया पूरा। जो उम्मीद था सनी देओल से वो पूरा हो गया। लवली, जो उम्मीद था सनी देओल से वो पूरा हो गया। तो आज है मंडे और अभी मैं जा रही हूँ अपना फल लेने के लिए। आज बहुत लेट हो गया है, जल्दी जल्दी मुझे जाना है अभी फल लेने के लिए। और बारिश भी नहीं हो रहा है तो मौसम अच्छा है। और मेरा रिव्यू और मम्मी का रिव्यू तो मैंने दिखा दिया था मूवी के बारे में, गदर 2 के बारे में, लेकिन पापा और अमन का नहीं दिखा पाई थी। लेकिन पापा और अमन को भी मूवी बहुत अच्छा लगा। एक्चुअली में क्या हुआ था कि लेट बहुत ज़्यादा हो गया था, इसके वजह से हम लोग जल्दी जल्दी हड़बड़ी में वहाँ से निकले। पापा लोग गाड़ी निकालने में लगे थे, बहुत ही ज़्यादा जाम वहाँ पे हो रखा था, इसीलिए पापा से रिव्यू नहीं ले पाया। आते आते घर में हम लोग को 11:30 बज गया था। तो बस अब जा रहे हैं सामान लेने के लिए, पूजा भी स्टार्ट करना है आज का। जाते के साथ हो गया गड़बड़ी, मेरा पेट्रोल ही खत्म हो गया और यहाँ बीच में कोई पेट्रोल पंप नहीं था तो मुझे ये बोतल वाला जुगाड़ करना पड़ा। उसके बाद फिर सीधे मैं गई मार्केट, मार्केट जाने के बाद मुझे दिखा ये क्यूट क्यूट झंडा, तो मैंने भी ले लिया झंडा क्योंकि दूसरे दिन था 15 अगस्त। सो आ गए मार्केट से, बहुत ज्यादा थक गए, पता नहीं मेरा पैर मचक गया अचानक से, पता नहीं क्या हुआ था। तो मार्केट से मैं लेके आई हूँ ये क्यूट क्यूट झंडा,
बताओ मम्मी बाहर में जो फूल है उड़ूल का तोड़ ले। तोड़ लेना भाई। तो यही उड़ूल का फूल निकला ताजा ताजा। सो आज है इंडिपेंडेंस डे, सो हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ यू गाइज। और अभी मैं फटाफट हो रही हूँ रेडी, क्योंकि जा रहे हैं हम लोग बाहर घूमने के लिए, देखने के लिए कि क्या क्या डेकोरेशन हो रखा है बाहर में। एक्चुअली में कल मेरा फास्टिंग था, तो आज मुझे बहुत ही वीक लग रहा था। फास्टिंग के ठीक एक दिन बाद मुझे बहुत वीक वीक टाइप का लगता है, तो इसलिए मैं सुबह से कोई भी ब्लॉगिंग नहीं कर पाई और ना ही मैंने जलेबी बनाया आज, क्योंकि मेरा तबीयत ठीक नहीं लग रहा था। कोई नहीं, बाहर जाके खा लेंगे। और अभी जा रहे हैं बाहर, देखते कैसा कैसा डेकोरेशन हुआ, साथ में आपको भी दिखाएंगे। आगे बी साइड और आप दिखाते हैं आपको डेकोरेशन। सो जो होटल प्रिंसेस पार्क जो कि दमन में है, उसका जो बाउंड्री है, उसकी बाउंड्री में ये सारे फ्रीडम फाइटर्स का फोटो लगा हुआ था। तो अब हम लोग जा रहे हैं एकदम लाइव मोर देखने के लिए। लाइव मोर तो मैं ऐसी मोर का बात कर रही थी, यहाँ कोई लाइव मोर नहीं है, मैं ये ट्राई कलर मोर के बारे में बात कर रही थी। कोई सीन आ रहा है? कुछ भी नहीं आ रहा है सीन आने का क्या जरूरत है, लाइटिंग चेहरा पे आना चाहिए। काश मैं भी ऐसे सुंदर हूँ। तो आज इंडिपेंडेंस डे, कुछ बोलना चाहेंगे भारत के लिए? कुछ भी बोल दीजिए एक लाइन। जी बिल्कुल, इंडिया लव्स हवा मिठाई। और गाइस वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब, एंड मेरे चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। मिलते हैं फिर से आपसे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय गाइस, या हिंदुस्तान जिंदाबाद।